वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान हो रहा है उपद्रव अभी भी शांत नहीं हुआ है। जहां पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव का रिजल्ट आने के बाद भी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा घटना दक्षिण 24 परगना के भंगोर से सामने आया है। यहां हिंसा के दौरान इंडियन सेकुलर फ्रंट यानी कि ISF कार्यकर्ता की मौत हो गई और जमकर बम फेंके गए हैं। हिंसा के दौरान हाथ में गोली लगने से एडिशनल SP घायल हो गए हैं। दरअसल ISF का एक उम्मीदवार काउंटिंग के दौरान एक बूथ पर आगे चल रहा था, लेकिन वह आखिरी दौर के काउंटिंग में हार गया। इसके बाद वहां हंगामा खड़ा हो गया और हिंसा शुरू हो गई। यहां कल रात से ही भारी पुलिस बल तैनात है। बता दें कि शनिवार 8 जुलाई को 74,000 पंचायतों के लिए वोटिंग हुई थी। इस दौरान जमकर हिंसा हुई और पोलिंग बूथों पर मारपीट, बूथ लेटने और आगजनी करने की घटनाएं सामने आई थी। इसके बाद 19 जिलों में बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक फिर से मतदान कराया गया था। इस दौरान प्रत्येक बूथ पर राज्य पुलिस के अलावा 4 केंद्रीय बल के जवान मौजूद थे। ऐसे में चुनाव के दौरान हिंसा के सबसे ज्यादा केस मुर्शिदाबाद, कूचबिहार, उत्तर और दक्षिण 24 परगना में सामने आए हैं। कूचबिहार में TMC वर्कर्स ने बैलेट बॉक्स तोड़ा था, वहीं उसमें पानी डाला और आग लगा दी थी। उत्तर दिनाजपुर में भी कुछ ऐसा ही हाल था, कई जगहों पर बैलेट पेपर और चुनाव से जुड़ी सामग्री जलाई गई थी। दक्षिण दिनाजपुर में भी बैलेट बॉक्स में पानी डाल दिया गया था। हिंसा में कई लोगों की मौत भी हुई थी और कई लोग घायल हो गए थे। ऐसे में इस पूरे मामले को देखने के बाद एक बात साफ समझ में आ जा रही है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार और कानून का डर लोगों के अंदर से हट गया है और खुद जो पार्टी सत्ता में है पश्चिम बंगाल के, वही पार्टी लगातार उपद्रव फैला रही है। पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। सबसे पहले नेता शुभेंदु अधिकारी का बयान सुन लीजिए, जिन्होंने चुनावी हिंसा के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा है कि बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हो गई है, चुनाव को आयोग ने ममता बनर्जी के साथ मिलकर नष्ट कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में लोकतंत्र की बहाली चाहती है। वहीं TMC ने वीडियो ट्वीट कर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि कूचबिहार के हल्दीबाड़ी ब्लॉक के दीवानगंज ग्राम पंचायत में बंगाल भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने बूथ पर कब्जा कर लिया और मतपेटी फेंक दी। BJP ने लोगों के अधिकार पर हमला किया है। वहीं तीसरे में इस मामले में कांग्रेस पार्टी भी सामने आ गई है। कांग्रेस पार्टी ने भी नाराजगी जाहिर की है। बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सत्तारूढ़ पार्टी TMC ने आतंक की बारिश शुरू कर दी है, जिसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। बंगाल में पंचायत चुनाव मजाक है और वस्तुतः यह चुनावी लूट खसोट का एक उदाहरण है। ऐसे में जब भी चुनाव होता है TMC की तरफ से कहीं ना कहीं उपद्रव जरूर फैला जाता है और खुद ममता बनर्जी बाद में आके जनता को संतावना देती है, शांत करती है कि हम इस एरिया में पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बनाए रखने की विनती करते हैं। लेकिन वहीं उसी कानून व्यवस्था को ममता बनर्जी सरकार के कार्यकर्ता और ममता बनर्जी सरकार से जुड़े कई नेता धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। ए न्यूज़ टुडे से विश्वेश तिवारी की रिपोर्ट।